हिरकबार रहीम वालेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे अच्छा अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने क्रीम्स बनाई थी उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे थैंक यू सो मच फॉर और जिन जिन ने मुझसे ऑर्डर किए और जिन्होंने दोबारा दोबारा मुझसे ऑर्डर किए उनका बहुत बहुत थैंक्स अच्छा आज के जो ये रेमेडी है ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नहीं बना सकते हैं वैसे तो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था जिन्होंने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ऊपर आई कार्ड में भी आ रहा होगा ये मैंने हैंड फीट क्रीम बने आपको क्रीप करके भी दिखा देती हूं ये देखें ये मैंने हैंड फीट वाइटनिंग क्रीम बनाई थी ठीक है ये क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मैंने ऐड की थी तो मैंने कहा अगर आप लोग खुद घर पे बनाना चाहते हैं तो आप लोग शायद ना बना सकें या आप लोगों को शायद वो चीज़ें ना मिले क्योंकि काफ़ी सारे लोग गाँव गाँव से भी बिलोंग करते हैं तो जहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप लोग ये क्रीम मुझसे भी बाय कर सकते हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने ये क्रीम मुझसे बाय की है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इस क्रीम का और उन्होंने बार बार मुझसे मंगवाई है अच्छा तो ये तो होगी होगी क्रीम मैं दोबारा से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं ये क्रीम मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मेरे पास तीन किस्म की क्रीम है एक्नी रिमूवल है स्किन वाइटनिंग है उन सारों की फॉर्मूलेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली हुई है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो चलते हैं अपनी आज की रेमेडी की तरफ जो कि है हमारी हाथ हाँ, 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 हैंड फीट वाइटनिंग के लिए हम लोग देसी टाइप की ब्लीच बनाएंगे इसको ब्लीच भी बोल सकते हैं उसको हम लोग स्क्रब भी बोल सकते हैं जो भी आप लोग कहना चाहें उसको वो बहुत ही कमाल की चीज़ है अगर आप क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो लोग क्रीम मेरी लगा रहे हैं मैं को भी टिप देती जाऊं कि अगर वो दिन के टाइम इस रेमेडी को फॉलो करते हैं और रात को सोते वक्त अपने हाथों के ऊपर क्रीम लगाते हैं तो यकीन करेंगे उनको इतना कमाल का रिजल्ट मिलेगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ बहुत ही सिंपल सी हमारी रेमेडी है ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती मैं यहाँ पर मैंने दूध दूध लिया है दूध के अंदर मैंने निचोड़ा था लेमन लेमन निचोड़ने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं दूध के अंदर खटाई जाए तो दूध फट जाता है तो हमने दूध को फटाना है तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर लेमन निचोड़ दिया था क्योंकि ये दस मिनट लेता है फटने में तो ये अब कम्प्लीटली ये देखें आप लोग बिल्कुल फट चुका है ये देखें ये देखें तो अब हम इसके बाद अपनी रेमेडी तैयार कर लेंगे रेमेडी हमने किस तरीके से तैयार करनी है हमने छान लेना है इस दूध को दूध को मैं छान लूँगी इस छाननी की मदद से छाननी ऊपर रखेंगे दूध को हम छान लेंगे ठीक है ये देखें इस तरीके से ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने रिमूव कर लेना है ठीक है ये हो गया इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से अब ये वाला जो दूध है ये हमें चाहिए होगा ठीक है इसके अंदर ऑलरेडी लेमन जूस अवेलेबल है तो उसके बाद जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे एक और बाउल ले लेते हैं यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है इसके अंदर जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए सिंपल घर में जो पड़ा होता है गंदुम का आटा उसको जौ का आटा भी बोलते हैं ये मैंने ले लिया है जी यहाँ पे गंदुम का आटा सिंपली चक्की का आटा लेना है आपने अगर आप लोग घर में थैली वाला आटा यूज़ करते हैं तो वो नहीं लेना आपने चक्की से थोड़ा सा आटा मंगवा लीजिए अगर चक्की वाला आटा चाहिए हमने क्योंकि चक्की वाले आटे के अंदर सूजी मैदा हर चीज होती है इसके अंदर और जो हम थैली वाला आटा आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ मैदा होता है तो ये वाला आटा आप लोगों ने ले लेना है ठीक है एक चम्मच में ये वाला आटा जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो आराम से मिल जाएगा क्योंकि वो लोग ओरिजिनल गंदुम इस्तेमाल करते हैं ये एक चम्मच मैंने ले लिया है जौ का आटा ठीक हो गया उसके बाद ऑलरेडी क्योंकि लेमन मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है तो लेमन मैं इसके अंदर अब ऐड नहीं करूंगी इसके अंदर मैं डालूंगी दो चम्मच इस दूध के जो हमने साइड पे करके रखा है ये जाएगा दो चम्मच दूध इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें अगर आप देखेंगे तो आपने आटा इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर लेना है ठीक है अच्छे से मिक्स करूंगी देखिए बहुत ज़्यादा रनी हो गया तो मैं थोड़ा सा आटा जो है इसके अंदर थोड़ा सा मैं और डाल लूंगी ठीक है इस चीज का हिसाब आप लोगों ने खुद देख के करना है ये मैंने मिक्स कर लिया इसके अंदर अच्छे से अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगी नेक्स्ट हमारा क्या इनग्रीडियंट अच्छा जी उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देना है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वही वाला सोडा लेना है आपने कोई और किस्म का सोडा नहीं है ये वही सोडा होता है ज़्यादा डाल नहीं डालना थोड़ा सा डालना है बिल्कुल तो बेकिंग सोडा चला गया इसके अंदर ठीक है मिक्स कर लेंगे अच्छे से अच्छा तो ये चला गया बेकिंग सोडा इसके अंदर का आटा दूध चला गया अब हमने इसके अंदर क्या डालना है यहाँ पर है जी मेरे पास सॉरी गिर गया ये यह देखें यहाँ पर है जी मेरे पास कोकोनट पाउडर कोकोनट मिल्क पाउडर जिसको बोलते हैं अगर ये आपको ना मिले तो आपने क्या करना है जी नेस्ले का जो मिल्क पैक नहीं होता जिससे हम चाय भी बनाते हैं दस रुपये का मिलता था पहले अब पंद्रह रुपये का हो चुका है फाइनली तो वो वाला आपने पैकेट ले, ले, ले लेना है एक नेस्ले का दूध का वो डाल लेना है इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज़ है मैं ये जगह साफ़ कर लेती हूँ तो ये पाउडर डाल लेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा नहीं डालना बिल्कुल थोड़ा सी अमाउंट में डालना है तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर ठीक है जी उसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा यहां पर है जी मेरे पास लिक्विड पैराफिन ये आपको आराम से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा पच्चीस रुपए की बॉटल है लिक्विड पैराफिन कोई किसी किस्म का हार्म केमिकल नहीं है मैं आपके सामने अपने हाथों पर लगाऊंगी कोई मसला नहीं है जितनी भी क्रीम्स बनती हैं जितने भी जितने भी फार्मुलेशन होती हैं उसके अंदर जो हैंड फीट के लिए बनते हैं स्पेशली उसके अंदर लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है स्पेशली हाथों पैरों की स्किन के लिए तो यहाँ पर मैं हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर लिक्विड पैराफिन मिक्स कर दूंगी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से हर चीज को अच्छे तरीके से मिक्स करना है हर चीज को ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए ठीक है तो ये हमारी जो जनाब ब्लीच जो, जो है वो बन के तैयार हो गई है अच्छे से इसको मिक्स करना ताकि कोई लम्स जो है वो इसके अंदर बाकी ना रहे ठीक है बेकिंग सोडा इसमें डाला हुआ है इसलिए फेस पे लगाने की गलती नहीं करनी हैंड फीट के लिए बनाया गया है तो हैंड फीट के को ही लगाना है अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम फेस पे लगा लें क्लोबोवेट क्रीम मैंने अपनी हर वीडियो में 50 मरतबा ये बात रिपीट की है कि क्लोबोवेट को फेस पे नहीं लगाना नहीं लगाना उसके बावजूद भी लोग मुझे कह रहे होते हैं हमने फेस पे लगाई हमारा फेस खराब हो गया तो एक चीज़ जब आपको बार बार बताई जा रही है कि आपने उसको फेस पे नहीं लगाना मेरे भाई या बहन आपने जो हाथों के लिए बनाई गई है तो उसको हाथों पर ही लगाया करें काइंडली प्लीज़ तो ये ये बनके तैयार होगी इसको लगाना किस तरीके से है जो लेमन हमने इसके अंदर नचोड़ा था उसको फेंकना नहीं उसको इस तरीके से ना आपने खोल लेना है ये ऐसे कर लेना है इसको उल्टा कर लेना है लेमन को उसके अंदर इसको लगाना है और अपने हाथों के ऊपर लगाते जाना है मिक्स करेंगे उठाएंगे लगाएंगे इस तरह से और इसको लगाते जाएंगे लेमन को फेंकना नहीं है जो हमने निचोड़ना है और ये नहीं करना कि जो जूस से भरा हुआ लेमन है वो उठा लेना हमें छिलका चाहिए हमें ये इस तरीके से आपने कितनी देर अपने हाथों को रब करना है दस मिनट जान लगा के दस मिनट अपने हाथों को रब करना है आपने ताकि जितनी भी चीजें इसके अंदर डाली गई उसके सारे जो आपके हाथों को अच्छे से मिल सके अच्छे तरीके पैरों पे भी लगाना है आपने पाओं इसको पाऊँ पे भी अच्छे तरीके से मलना है मसल करना है अच्छा अगर आप इसको एल्बो पे लगाना चाहते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं काफी सारे लोगों के गुठरे जो है वो ब्लैक होते हैं गोडे भी जिसको हम बोलते हैं तो वहां पर भी अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं ठीक है अच्छे तरीके से इस इस हाथ पे मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि रात मुझे यहाँ पे ड्रिप लगी थी तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सी ना रिएक्शन हो जाएगा इस वजह से मैं इस हाथ पे लगा रही हूँ इसको ये देखिए दस मिनट आपने इसी तरीके से इसको मसाज करना है दस मिनट के बाद इसको वॉश करते हैं ये तो ये देखिए मैं अपने हाथ अभी धोकर आई हूँ देखें कितना फर्क पड़ता है मैं क़रीब करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ये देख लें जी ये देखिए अभी तो मैंने इसको साफ नहीं किया मैंने कहा आप लोगों के सामने ही इसको क्लियर साफ़ करते हैं देखें इस हाथ पे नहीं लगाया था मैंने आपको बताया था कि मैंने ड्रिप लगी थी तो रिएक्शन कर जाता है ये देखिए ये आप देख सकते हैं क्लियरली रिजल्ट इसका मैंने इसीलिए आप लोगों के सामने लगाया है उसको वॉश किया क्लीन भी आप लोगों के सामने किया है ताकि आप लोगों को फ़र्क वाज तौर तो पे पता चल सके देखिए मैं अपनी वी, हर वीडियो में आप लोगों को ये नहीं कहती कि आप इसको लगाएंगे और फ़ौर से गोरे हो जाएंगे हर चीज़ को करने के लिए मेहनत लगती है काइंडली जो भी मैं टिप आपको बताऊँ या जो भी टिप आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसको रेगुलरली कम अज़ कम कम अज़ कम पंद्रह दिन तो दिया करें उसके बाद जाके आप लोगों को पता चलता है कि वाकई जी हमने कोई चीज़ लगाई है दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक चीज़ों का कभी भी कोई नुकसान नहीं होता और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस रेमेडी को फॉलो करें ठीक है और और उनको कोई भी क्वेश्चन कोई भी बात पूछनी हो मुझे नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकती हैं ठीक है इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल करने सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़